हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश का जो हमारा पेपर रहता है, उस पेपर में एक्सट्रैक्ट पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एक्सट्रैक्ट क्या होता है और लेसन वाइज हम इनको कम्प्लीट करेंगे। जैसे लेसन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड है ना। तो फ्लेमिंगो में जो एक्सट्रैक्ट पूछे जाते हैं, तो उसमें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द लास्ट लेसन। सबसे पहले हम बात करें तो एक्सट्रैक्ट होता क्या है। देखिए, एग्ज़ाम में दो तरह के पेजेस पूछे जाते हैं। एक होता है अनसीन पेज, जो हमारे सिलेबस से बाहर से आता है, मतलब हमारी जो पोएम या जो लेसन है उनके अलावा। और एक होता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब जो हमारा सिलेबस है, चाहे फ्लेमिंगो का कोई लेसन हो या कोई पोएट्री हो या फिर विस्टास का हो, वहाँ से यदि पैराग्राफ दिया जाता है तो उसको पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने रहते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लेलिस्ट में जाकर आप राइटिंग स्किल, जैसे लेटर, एप्लीकेशन, रिपोर्ट, कंपोजिशन, राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण जो हमारे टॉपिक हैं उन्हीं को हमने उसमें कवर किया हुआ है। साथ में ग्रामर की यदि मैं बात करूँ तो ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। द लास्ट लेसन में किस प्रकार का एक्सट्रैक्ट पूछे जा सकते हैं, ये दो तीन एक्सट्रैक्ट इस वीडियो में हम आज के कंप्लीट करेंगे। जैसे माय लास्ट फ्रेंच लेसन, व्हाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। देखिए, द लास्ट लेसन हमारी फ्लेमिंगो बुक का जो सबसे पहला चैप्टर है, उसको हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है, और उसमें ये बताया गया है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जर्मनी जो है वह फ्रांस को हरा देती है, और वहाँ के स्कूलों में वह फ्रांस भाषा को हटा कर उसके स्थान पर जर्मनी या जर्मन भाषा को लागू करते हैं। ठीक है, ये इस लेसन में बताया गया है। तो एक्सट्रैक्ट यहाँ पर दिया गया है कि माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मतलब मेरा फ्रांस भाषा का आखिरी पाठ। व्हाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, अभी मैंने ठीक से लिखना भी नहीं सीखा है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब यहाँ पर आई कौन है? तो आई यहाँ पर फ्रेंच नाम का एक लड़का रहता है। ठीक है, वो कहता है कि मैंने तो अभी कुछ सीखा ही नहीं है, अभी तो ठीक से लिखना भी नहीं सीखा है। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, ओह हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब उसको पश्चाताप होता है, रिपेंटेंस होता है कि वो अपनी जो मातृभाषा है फ्रांस से है, उसको अभी उसने ठीक से लिखना पढ़ना नहीं सीखा है ना। उसने क्या किया? फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, मतलब पक्षियों के अंडे ढूंढे पढ़ने की बजाय, है ना, बच्चा था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार यहाँ पर एक नदी का नाम है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सार नदी में स्लाइड करना, माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच नुएंसेंस अ वाइल एगो, अब उसकी किताबें जो हैं वो किताबें उन्हें बाधित करती थी, मतलब किसी काम में अड़चन पैदा करना, उसको नुएंसेंस बोलते हैं। तो उसकी किताबें उसे अच्छी नहीं लगती थी कुछ समय पहले, सो हैवी टू कैरी, सो हैवी मतलब बहुत भारी लगती थी उनको ले जाने में। माई ग्रामर मतलब मेरे व्याकरण, माई हिस्ट्री ऑफ द संत मतलब संतों का जो इतिहास है वो, वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब उसके मित्र हो गए थे, किसके? फ्रेंच नाम का जो लड़का है उसके, दैट आई कुडंट गिव अप, अब मैं इनको नहीं छोड़ सका। ठीक है, गिव अप का अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना। एंड एम एम एल कौन है? फ्रांस भाषा के शिक्षक हैं जो आज अपना लास्ट लेसन ले रहे हैं, है ना। टू मतलब एम एम एल के बारे में भी वो कह रहा है, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, वह विचार उसके दिमाग में आ रहा है कि एम एम एल अब हमारे साथ में नहीं रहेंगे, वो इस विद्यालय को छोड़कर जाएंगे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं अब उनको फिर से कभी नहीं देख पाऊँगा। क्यों जा रहे हैं? वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर फ्रांस भाषा के स्थान पर जर्मन भाषा को पढ़ाया जाएगा, इसलिए वो इस स्कूल को छोड़कर जाएंगे। मेड मी फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज रूरल एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, अब उनका जो रूरल था, रूलर सॉरी, जिसको हम हंटर बोल सकते हैं, वह काफ़ी क्रैंकी था, और वह भी क्रैंकी थे। क्रैंकी का अर्थ होता है चिड़चिड़ा होना, है ना। और आगे बढ़ें, पुअर मैन, अब यहाँ पर पुअर मैन किसको कहा गया है? तो पुअर मैन एम हेमेल को कहा गया है, उसके फ्रांस के शिक्षक, फ्रेंच भाषा को पढ़ाने वाले शिक्षक को पुअर मैन कहा है। इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन
हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। और आज उनका आखिरी दिन है और जितने वर्षों से उन्होंने इस स्कूल को, इस विद्यालय को सर्विस दी है, सेवा दी है, उसके सम्मान में आज वह संडे क्लॉथ्स पहन के आए हैं। संडे क्लॉथ्स मतलब उनके जो सबसे अच्छे कपड़े हैं वो कपड़े आज पहन के आए हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग इन देयर द बैक ऑफ द रूम। और अब मुझे समझ में आया है कि गांव के लोग हमारे इस कक्षा में या इस कक्ष की पीछे की बेंचेस पर क्यों बैठे हुए हैं, सम्मान देने के लिए आए हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी दुख है, टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि अब वह इस विद्यालय में नहीं आ पाएंगे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग अवर मास्टर ऑफ हिज 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस। उनके जो शिक्षक हैं जिन्होंने 40 वर्ष तक यहाँ पर फ्रांस भाषा पढ़ाई है और विद्यालय को सेवा दी है, तो उसके सम्मान के लिए यहाँ पर वो आए हैं, कौन, गांव के लोग। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट फॉर कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, और अपने देश का, अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए आए हैं, उस भाषा के लिए आए हैं जिस भाषा को यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, उसके सम्मान के लिए आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो लेसन नंबर फर्स्ट है जिसका टाइटल है द लास्ट लेसन, उससे लिया गया है। अब पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे व्हाई डज फ्रेंच कॉल हिज टीचर पुअर, अपने शिक्षक को वो पुअर क्यों कहता है। पुअर का अर्थ गरीब होता है लेकिन पुअर का अर्थ बेचारा भी होता है, ठीक है, जो हेल्पलेस हो उसको पुअर कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे बिकॉज ऑफ हिज पुअर्टी, अपनी गरीबी के कारण, बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, उनके अंदाज के कारण, बिकॉज ऑफ हिज हेल्पलेसनेस मतलब अकेलेपन जिसे हम बोलते हैं असहायता, बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा क्योंकि वो हेल्पलेस थे। हेल्पलेस मतलब वह कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि जर्मनी जो है बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ से आदेश निकला था कि अब एल्सेस और लॉरेन जो कि फ्रांस के स्कूल हैं इनमें अब फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो मजबूर थे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज द वर्ड क्रैंकी मीन, क्रैंकी का अर्थ क्या होता है। जैसे ऑप्शन दिया गया है पीवीस का अर्थ होता है चिड़चिड़ा, ईजिली इरीटेटेड मतलब जो आसानी से, जिसको गुस्सा दिलाया जा सके, जिसको आसानी से चिढ़ाया जा सके उसको ईजिली इरीटेटेड बोलते हैं। ईजिली अनॉयड मतलब नाराज कर देना, ऑल ऑफ दीज, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा क्योंकि तीनों का मीनिंग जो है वो क्रैंकी है, चिड़चिड़ा होना, ये चिड़चिड़ा बना देना। अगला है व्हाट हैड बीन ए ट्रबल फॉर फ्रेंच फॉर ए व्हाइल, कुछ समय के लिए या पहले, कुछ समय पहले उसको कौन सी चीज़ से समस्या थी, हिज फ्रेंड्स अपने दोस्तों से, हिज टीचर अपने शिक्षक से, हिज बुक्स अपनी किताबों से, या द विलेजर्स या गांव के लोगों से, तो उसको किससे समस्या थी, किताबों से थी। किताबें उसे एक दुश्मन की तरह लगती थी, अड़चन पैदा करने वाली लगती थी। ठीक है, आगे बढ़ें। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए व्हाइल एगो, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी किताबें जो हैं वह उसे क्या लगती थी, जैसे माई हिस्ट्री ऑफ सॉरी ऊपर यहाँ दैट हैड सीम्ड सच नोएंसेंस मतलब अड़चन पैदा करने वाला, वस्तु भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है, तो यहाँ पर नोएंसेंस आएगा। अगला है हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस ऑफ MML वर, मतलब MML जो फ्रांस भाषा के शिक्षक थे उन्होंने कितने वर्ष तक सेवा दी, तो 40 ईयर्स 40 वर्षों तक सेवा दी। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्ट की ओर चलें जो कि इसी लेसन से लिया गया है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल मतलब स्कूल के लिए मैं निकला, वेरी लेट मतलब देर हो गई थी, दैट मॉर्निंग उस सुबह, कौन सी सुबह, जिस दिन फ्रांस भाषा का लास्ट लेसन था। एंड वाज इन ग्रेट डेड ऑफ स्कोल्डिंग ए स्कोल्डिंग, स्कोल्डिंग का अर्थ होता है डांटना, ड्रेड का अर्थ होता है डर या फिर भय। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये आई ये कौन है, तो आई जो है वो फ्रेंच नाम का लड़का है। ठीक है, वो कह रहा है कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए लेट निकला और मैं डरा हुआ था, क्यों डरा हुआ था, स्पेशली बिकॉज MML हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, इसलिए डरा हुआ था कि फ्रांस भाषा के जो शिक्षक हैं MML हैं उन्होंने ये कहा था कि मैं पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन करूँगा, ये होमवर्क दिया होगा।
एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे पार्टिसिपल के बारे में एक शब्द भी पता नहीं था. फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. एक पल के लिए तो मैंने ये भी सोचा कि मैं आज स्कूल ही या विद्यालय ही नहीं जाऊँ, है ना. इट वॉज सो वार्म, अब दिन कैसा था, अच्छा वार्म था. सो ब्राइट, धूप खिली हुई थी. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, पक्षी जो हैं वो चहचहा रहे थे, आवाज़ कर रहे थे, कहाँ पर, एज ऑफ द वुड्स. वुड्स मतलब जंगल या फिर पेड़, पेड़ों पर भी. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑन द सा मिल द पर्सियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, और जो सा मिल थी मतलब आरा मशीन थी जहाँ पर लकड़ियाँ काटने का काम हो रहा था, उसके पीछे जो पर्सिया के जो सैनिक थे, पर्सियन सोल्जर थे, वो ड्रिलिंग कर रहे थे. मतलब उनका जो डेली अभ्यास होता है वह कर रहे थे. मतलब छोटे बच्चों को ऐसी चीज़ें देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, है ना. तो वो सोच रहा था कि आज मैं स्कूल ना जाऊँ, मैं तो पक्षियों की आवाज़ें सुनूँ, है ना, और जो पर्सियन सोल्जर जो है ड्रिलिंग कर रहे हैं उनको देखूँ, क्योंकि पार्टिसिपल के बारे में तो उसे कुछ पता नहीं था. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ रूल फॉर पार्टिसिपल्स. टेम्पटिंग का अर्थ होता है अट्रैक्टिव, ठीक है. मतलब वो कह रहा है कि पार्टिसिपल के जो रूल हैं उनको याद करने से अच्छा है कि ये चीज़ें मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं. कौन सी चीज़ें, जैसे सैनिकों को ड्रिलिंग करते हुए देखना, पक्षियों की आवाज़ें सुनना, है ना. बट आई हैड स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, परंतु मुझ में इतना साहस था, हिम्मत थी कि मैं इस चीज़ को, मैंने नहीं किया कि इस चीज़ को, स्कूल गया और एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. हरीड ऑफ मतलब जल्दी जल्दी मैं स्कूल गया, ठीक है. तो अब देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन है. जैसे पहला पूछा गया है, व्हाट डज द वर्ड ड्रेड मीन, मतलब ड्रेड शब्द का अर्थ क्या है. तो ड्रेड मतलब होता है भय. अब देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है. फियर, फियर का अर्थ भी भय या डर होता है. एप्रीहेंसिवनेस, इसका अर्थ होता है भविष्य में होने वाली घटना के बारे में चिंतित होना या भयभीत होना. मतलब इसका अर्थ भी भय या फिर डर हो गया. ओ, इसका अर्थ भी डर या भय होता है. तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही रहेगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है. अगला क्वेश्चन है, हु इज आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट, मतलब ऊपर जो लाइनें दी गई हैं इसमें आई कौन है. तो इसमें आई कौन है, एम हेमल, फ्रेंच, वेटचर या पेडलर. तो देखिए, एम हेमल तो शिक्षक हैं, तो शिक्षक से संबंधित इसमें कुछ नहीं कहा गया है इस पैराग्राफ में. तो यहाँ पर आई मतलब कौन है, वो फ्रेंच है, वो लड़का है जो कि स्कूल जा रहा है लेकिन आज वो लेट हो गया है. अगला है, अकॉर्डिंग टू द नरेटर हाउ वॉज द डे, मतलब वह दिन कैसा था. तो वह दिन था वार्म एंड ब्राइट, है ना, गर्माहट थी और धूप खिली हुई थी. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, उस दिन वह स्कूल जाने के लिए लेट हो गया था. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज, ए डी जी ई, एज ऑफ द वुड्स, ठीक है. आप चाहें तो पैराग्राफ में भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, द बर्ड्स वर चिपरिंग एज ऑफ द वुड्स, है ना, और दिन कैसा था, वार्म एंड ब्राइट था, ठीक है. दोस्तों, नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट की ओर चलें. इस एक वीडियो में हमने लेसन नंबर फर्स्ट में जो भी एक्सट्रैक्ट पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, उनको हम कवर कर रहे हैं. थर्ड एक्सट्रैक्ट की ओर चलें, तो व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वर ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जब मैं टाउन हॉल से गुजर रहा था तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठा थी. क्राउड मतलब भीड़, और बुलेटिन बोर्ड का अर्थ यहाँ पर यह है कि एक ऐसा पटल जिस पर कि खबरें लगाई जाती हैं, ठीक है, उसको बुलेटिन बोर्ड कहा गया है. फॉर द लास्ट टू ईयर्स, पिछले दो वर्षों से, ऑल अवर बैड न्यूज़, हमारी जितनी भी बुरी खबरें हैं, हैड कम फ्रॉम देयर, मतलब यहीं से आती हैं. कहाँ से, बुलेटिन बोर्ड से. अब बैड न्यूज़ कैसी, जैसे युद्ध का हार जाना, युद्ध हार गए थे वो, किससे, जर्मनी से, पर्सिया से. द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध का हार जाना. द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, मतलब कमांडिंग ऑफिसर का कोई ऑर्डर है तो वो, कोई ड्राफ्ट हो तो वो, या फिर युद्ध का हार जाना, बैटल मतलब युद्ध. इस प्रकार की न्यूज़ हमें यहीं से मिलती है. कहाँ से, बुलेटिन बोर्ड से. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैंने सोचा बिना रुके हुए. बिना रुके हुए मतलब वो जा रहा है स्कूल, तो बिना रुके हुए ही मैंने सोचा, वाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या हुआ होगा. Then, as I hurried by as fast as I could go, जल्दी जल्दी जितना मुझसे हो सका उतनी जल्दी मैं गया. The blacksmith, blacksmith मतलब है लोहार, जो लोहा
कूटने का काम करता है या लोहे का काम करता है उसको ब्लैक स्मिथ बोलते हैं। ब्लैक स्मिथ मतलब यहाँ पर कौन है? वर्चर है। ब्लैक स्मिथ का नाम पूछा जा सकता है तो वर्चर। हु वाज देयर, वह भी वहाँ था। विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का अर्थ होता है चेला या फिर शिष्य। और पूरी डेफिनेशन यदि इसकी देखें तो इसका अर्थ होता है कि कम तनख्वाह में हुनर सीखने के लिए जो काम करता है उसको अप्रेंटिस बोलते हैं। तो उसके साथ यह भी था, रीडिंग द बुलेटिन, यह भी खबर पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे कुछ कहा। किसने कहा? ब्लैक स्मिथ ने मुझे कहा, मुझे मतलब फ्रेंच को कहा। डोंट गो सो फास्ट बब, जल्दी मत जाओ। बब, बब मतलब छोरा या छोकरा, है ना। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, मतलब स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। प्लेंटी का अर्थ होता है इनफ, मतलब पर्याप्त। इसके लिए एक और पर्यायवाची शब्द है एम्पल। क्या है? एम्पल, प्लेंटी मतलब। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने उस समय सोचा कि यह मुझसे मजाक कर रहा है। कौन? वो ब्लैक स्मिथ। एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, और मैं हाँफते हुए, मतलब सांस फूल गई उसकी, जल्दी जल्दी गया, दौड़ते हुए गया स्कूल। तो उसको बोलते हैं ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब हाँफते हुए जाना, सांस फूल जाना। लिटिल गार्डन, एमएमएल के लिटिल गार्डन तक मैं पहुंच गया। अब इस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं देखते हैं। वेयर वाज द क्राउड गैदर्ड, मतलब भीड़ कहाँ पर इकट्ठा थी। तो भीड़ जो है वो कहाँ इकट्ठा थी देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है एट द स्कूल, मतलब स्कूल में। दूसरा है इन द मार्केट, बाजार में। इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, तो भीड़ जो है वो बुलेटिन बोर्ड के सामने इकट्ठा थी। व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ प्लेंटी, यहाँ पर एक शब्द आया है सिनोनिम। सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब समानार्थी, जिसका अर्थ समान हो। तो प्लेंटी मतलब होता है पर्याप्त, मोर मतलब ज़्यादा, इनफ मतलब पर्याप्त, नॉट मोर देन मतलब ज़्यादा नहीं, और लेस मतलब कम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही रहेगा, प्लेंटी का पर्यायवाची क्या हो गया? इनफ हो गया। अगला है वाई वाज देयर ए ह्यूज क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठा क्यों थी। ऑप्शन है ड्यू टू बैड न्यूज़, मतलब खराब बुरी खबर थी इसलिए। ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया था इसलिए। ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंग्वेज, नई भाषा का इंट्रोडक्शन था इसलिए। ऑल ऑफ दीज, तो ये तीनों चीज़ें थी उसमें। कैसे तीनों चीज़ें थी? एक तो बुरी न्यूज़ थी, कौन सी? कि फ्रांस भाषा को नहीं पढ़ाया जाएगा और जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, तो ये न्यूज़ ख़राब हो गई। दूसरा, ये जो आदेश आया था ये बर्लिन से आया था, तो ये भी सही हो गया। दूसरा ये है नई भाषा का परिचय, मतलब जर्मनी भाषा पढ़ाई जाएगी, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा, ऑल ऑफ दीज। अगला है वेयर वाज द क्राउड गैदर्ड, गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना। तो भीड़ कहाँ पर इकट्ठा थी? तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ इकट्ठा थी। तो हम यहाँ लिख देंगे द क्राउड गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। अगला है वेयर डिड फ्रेंच रिएक्ट आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब आउट ऑफ ब्रेथ मतलब हाँफते हुए वह कहाँ तक पहुँच गया। तो कहाँ तक पहुँचा था? तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, तो यहाँ एम हैमल्स लिटिल गार्डन, ठीक है, ये इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने हमारे लेसन नंबर फर्स्ट द लास्ट लेसन के इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट देखे हैं। इसी प्रकार के वीडियोज़ यदि आपको चाहिए, क्लास 12th इंग्लिश की तैयारी आप अच्छे से करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स रिलेटिव क्लासमेट्स के पास वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और भी दूसरी चीज़ें जो हैं वह प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखें, और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू वंस अगेन।